टुडेज टॉपिक इज फेसबुक। ठीक है, हम पढ़ रहे थे बेटा इंटरनेट सर्विसेज के बारे में, ठीक है, और उनकी एप्स के बारे में जो वगैरह है। आज पढ़ेंगे फेसबुक पे। फेसबुक बहुत ही फेमस, ठीक है, सोशल ऐप है, ठीक है, सोशल वेबसाइट है, ठीक है, जिसको आप www.facebook.com फिल करके नेट पे आप चाहे इसे क्या ओपन कर सकते हैं। इट ऑल्सो लेट यू शेयर योर व्यूज, अपने आइडियाज लोगों के साथ शेयर करने में भी आपकी हेल्प करती है। पोस्ट डाल सकते हो, अपनी पिक डाल सकते हो, अपने जो नेबर्स हैं, जो आपका सर्कल है, ठीक है, उससे क्या कनेक्टेड रह सकते हो। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं फिल करता हूँ www.facebook.com, ठीक है, facebook.com मैंने फिल कर दिया। ठीक है, फेसबुक की है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपकी क्या किया है, यहाँ पर अगर तो आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट, नया अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, अगर है तो यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करके इसे क्या है लॉग इन कर सकते हैं। दैट इज फेसबुक। ठीक है, और नेक्स्ट है टॉपिक आपका माई स्पेस। माई स्पेस जैसे एक फेसबुक एक है ना सोशल साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ऐसे ही माई स्पेस ये कब बनी, अगस्त 1, 2003 को बनाई थी। किसने बनाई थी, क्रिस ब्यूवर, ये पहले चलते इसको, ठीक है, टॉम एंड्रोडन एंड जॉन हार्ट ने भी बनाया से। द यूआरएल पता है, यूनिवर्सल सोर्स लोकेटर, ठीक है, यूआरएल पर हो, यूआरएल इसका क्या है www.myspace.com। ये माइस्पेस लास्टली सोशल साइट थी, सबसे ज़्यादा यूज करने वाली साइट थी इस साल में 2005 से लेकर 2009 तक। ठीक है, मतलब इसको मैं ओपन करके दिखा दूंगा, ये माई स्पेस है। देखो बेटा माई स्पेस भी ओपन कर लेते, आज भी ओपन होती है। देखो बेटा पढ़ लिया, ये माई स्पेस है। इसी तरह ये फेसबुक की तरह ये है, ये अगर तो आईडी है तो यहाँ से आप साइन इन कर सकते हो। ठीक है, अगर आईडी नहीं है तो आप यहाँ पर क्या है साइन अप करना पड़ेगा, साइन अप तो नहीं आपको अकाउंट काम पर क्या है बनाना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज माई स्पेस। नेक्स्ट क्या ट्विटर, ट्विटर क्या है, ये क्या है अर्लियर इट रीड वाज सेक्टेड टू ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल नेटवर्किंग में सोशल होता है समाज, नेटवर्किंग क्या है समाज से जुड़े रहना किसी तरीके से। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या है तरीका है लोगों से कैसे जुड़ के रहना, क्योंकि फास्ट टाइम है, ठीक है, इसके जरिए जुड़ सकते हैं लोगों से। अर्लियर इट रीड वाज सेक्टर, पहले इसमें ट्वीट किया जाता है, ट्वीट कोई मैसेज लिख दिया, पहले ट्वीट जो था 140 कैरेक्टर, कितने वर्ड्स के हो सकता था, इससे ज़्यादा नहीं। On 17 November 2017, its limit was doubled for all the languages. सारी लैंग्वेज इसका डबल कर दिया गया। जैसे ट्विटर, ट्विटर आजकल बहुत फेमस है, देखो जैसे कुछ भी ओपन करके दिखाता हूँ www.twitter.com। कोई रोड प्रकट करते हैं लोग, ठीक है, या कोई किसी को फॉलो करते हैं, ट्विटर से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी तरह से ही है, अगर तो आई डी है यहाँ से लॉग इन कर लोगे, अगर आई डी नहीं है मान लॉग इन कर दिया मैंने, या तो मैं फोन नंबर डालूंगा, ठीक है, मैं लॉग इन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, लॉग इन और पासवर्ड डालना पड़ेगा अगर है। ठीक है, अगर लॉग इन पासवर्ड नहीं है, ठीक है, अगर लॉग इन पासवर्ड नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इन, हो सकता है मेल हो जाए लॉग इन। हाँ जी, हो गया। कोई प्रॉब्लम आ गई लॉगिन करने में, आई डी ना सही हो, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वेरीफाई नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। ये ऐसे मतलब आप लॉग इन कर सकते हो या साइन अप कर सकते हो। नेक्स्ट है लिंक्डइन, ये भी सोशल साइट है जैसे फेसबुक है। ये कब बनी थी, मई
लिंक्डइन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस ओरिएंटेड, बिजनेस मैं ये यूज कर रहा हूँ, लिंक्डइन का मैंने किया है। मान लो किसी कोई संस्था वाला है या कोई मान लो कहीं कंपनी है उसमें आदमी रखने हैं, वो लिंक्डइन पे पोस्ट डाल देता है, ठीक है, लिंक्डइन, ठीक है, जहाँ किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, किसी को रोजगार चाहिए, वो उसको, ये मतलब एक बिजनेस ओरिएंटेड वर्चुअल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। इट वॉज लॉन्च ऑन May 5, 2003 को लॉन्च की गई थी। ये बिजनेस आइडिया के लिए इसे बनाया गया, ठीक है। लिंक भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसके मेंबर्स हैं 6, ये देखो आ गया, इसके मेंबर्स भी देखो इंटरनेट पर लगा हुआ है 675 मिलियन, इसे लोग यूज करते हैं मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आता है ब्लॉग। ब्लॉग क्या आता है? ब्लॉग मान लो कोई राइटर है, ठीक है, कोई राइटर है, उसने अपनी लिखना है, कुछ ना कुछ लिख के लोगों तक पहुंचाना है, या तो पहले किताब लिखते थे, ऐसे ही एक है उसका ब्लॉग बन जाता है। अब ये पीपल यूज टू शेयर देयर व्यूज, ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंस विद अदर थ्रू न्यूज़पेपर। पहले लोग अपने विचार न्यूज़पेपर मैगजीन के जरिए शेयर करते थे, पर इंटरनेट पे क्या है, वो ब्लॉग बना लेते हैं अपना और ब्लॉग शेयर करते हैं लोगों से, कि कोई राइटर वगैरह जो है, मतलब डेली, जैसे कि डायरी नहीं आती, डायरी, डायरी में हम अपने रोज के रोज चार राइटर करते रहते हैं, सेल्फ डायरी बनाते हैं, वही टाइप है, यही चीज है, उसे ब्लॉग आ जाता है, ठीक है। ब्लॉगर, ब्लॉगर मतलब जो यूज करता है, तो ब्लॉगर किसको कहते हैं, जो पर्सन से यूज करता है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉगर। blogger.com भी अपना ब्लॉग बना सकते हैं। देखो अगर आपने अपना मतलब कुछ राइटर हो, ठीक है, इन लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसकी अपना ब्लॉग बना सकते हो, ठीक है। ब्लॉग बना के आप अपनी कविताएं वगैरह या कोई सोशल इश्यूज हो गए मान लो ना, उस पे blogger.com लोगों ने अपने अपने विचार लिखे हुए हैं। यहाँ पर जाके आप देखो, यहाँ पर न्यू पोस्ट डाल सकते हो, ठीक है, कोई सेटिंग कर अपना तैयार करते हो, अपना ब्लॉग क्या क्रिएट कर सकते हो, ठीक है बेटा। देयर इज ओनली जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट ब्लॉग, ठीक है। ई कॉमर्स, ये टॉपिक आगे बेटा सारे, मीन्स ई शॉपिंग, ई कॉमर्स, ई शॉपिंग, ई बैंकिंग, देयर इज देयर टॉपिक विल बी द लास्ट नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बेटा।